हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल आरोग्य विद्या में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन ऑमलेट। ये एक तरह का बेसन का चीला है जिसमें हम सब्जियां काफ़ी डालेंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, आधा कप गेहूं का आटा, 1 टेबलस्पून खट्टी दही, आधा कप बारीक कटी हुई सब्जियां, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हरी मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अब एक बड़े बोल में हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाले आप अपने हिसाब से जो पसंद हो वो डाल सकते हैं, चाहे वो जीरा पाउडर हो, धनिया पाउडर हो या गरम मसाला हो। सब्जियां भी आप अपने मनपसंद डाल सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि वो बारीक कटी हुई हो। ये भी ध्यान रखें कि वो मूली जैसे कोई पानी वाली सब्जी भी ना हो, इससे बैटर काफ़ी पतला होने लगता है। आप सब्जियों के बजाय पालक भी डाल सकते हैं इसमें। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अच्छे से इसको मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए विस्क या फोर्क का यूज़ करें ताकि लंप्स ना बने। आप चाहे तो हाथ से भी इसको मिला सकते हैं, इससे जो है लंप्स कम बनता है। ये ऑमलेट काफ़ी हेल्दी है। वेजिटेरियन होने के बावजूद इसमें बेसन की वजह से प्रोटीन काफ़ी आपको मिल जाता है। गेहूं के आटे में भी थोड़ा सा प्रोटीन होता है और फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है। सब्जियों से भी हम लोग को फाइबर काफ़ी मिलती है और थोड़े से विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। पालक डालेंगे तो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हो जाएगा, आयरन उनको काफ़ी मिल जाएगा उसमें। ये देखिए मेरा बैटर रेडी है। ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी है इसका। अब हम लोग तवा गरम करेंगे। अब फ्लेम हम लोग लो करेंगे और 1 बड़ा चम्मच बैटर का हम लोग साइड से इसमें डालेंगे। मैं यहाँ लोहे का तवा ले रही हूँ, आप चाहिए तो नॉनस्टिक का तवा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें तेल भी कम लगेगा आपको बनाने में। 2-3 बूंद तेल का साइड साइड से डाल देंगे और इस ऑमलेट को ढक के हम लोग पकाएंगे लो फ्लेम पे। इसको पकने में लगभग 1 या 2 मिनट लगता है, जब तक कि साइड्स हम लोग का छूटने ना लगे। ये देखिए मेरा ऑमलेट का साइड्स छूट गया, इसलिए अब हम लोग इसको पलटेंगे। पलटने के बाद 1-2 बूंद तेल और डालेंगे और फ्लेम को हाई करके हम लोग इसको 1 या 2 मिनट और पकाएंगे। ये जो आप गोल्डन ब्राउन कलर देख रहे हैं, ये दूसरे साइड में स्पॉट्स की तरह आएगा। एकदम खूबसूरत बनता है ये ऑमलेट। ये स्वाद पे इसका एकदम बढ़िया रहता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग सब्जियां या पालक खाना पसंद नहीं करते वो भी इसमें खा लेंगे आराम से। ये देखिए कितना अच्छा रंग बना है इसका, गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स है। इस स्टेज पे हम लोग इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं या अपनी कोई फेवरेट चटनी या सांभर इसके साथ खा सकते हैं। अचार के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे टमाटर का चटनी के साथ इसको खाना पसंद करती हूँ। बाकी का ऑमलेट भी इसी तरह बनाइए। रेसिपी बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फिर अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।